नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पोटलिया के पूर्व सरपंच छगनलाल खड़िया से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत में विकास के मुद्दों को लेकर खास मुलाकात की। तो आइए देखते हैं बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट पूर्व सरपंच छगनलाल खड़िया के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत पोटलिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ पूर्व सरपंच छगनलाल जी खड़िया, वो हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहेंगे कि अब इस कार्यकाल में 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्या उपलब्धियाँ रही और आगे इनके 1 वर्ष में और क्या एजेंडे हैं, तो करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। जनता में क्या है कि अपन ने सामाजिक दृष्टि से हर तरह से व्यवहार कायम किया है। दूसरा क्या, विकास के नाम से हमने पंचायत के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है, हैंडपंप दिए हैं मोहल्ले वाई। दूसरा, विकास के नाम से हमने कुएं का निर्माण किया है, व्यक्तिगत लाभ से कैटल शेड भी लोगों को दिए हैं। आवास तो सरकार देती है तो आवास भी बने हैं। और अधिकतर हमने क्या है, ये ग्राम पंचायत कुछ सेंसित क्षेत्र है कलिजरा डीम से, उसमें हमने पानी वेस्ट जा रहा था तो पक्की नालियां बना करके हमने खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया है, लोगों को पानी वेस्ट नहीं जावे इस दृष्टि से। और आगे भी हमारा ये है, जहाँ जहाँ कुछ एरिया छूटे हुए हैं, पहले मेरी पंचायत में 5 गांव थे, टाड़ावटला, उमरावट, मोर और पोटलिया और नंबर 5। आज के तारीख में 9 गठित होने से मात्र 2 गांव रहे हैं, पोटलिया और जमरई। इस पंचायत में 7 वार्ड हैं। अब क्या है, सरकार ने पंचायत कम होने से बजट में भी कमी आ गई, पैसा कम आता है। और अभी लंबे समय से जो पैसा नहीं आ रहा है, अभी गवर्नमेंट जो पैसा डालती है वो नहीं आ पा रहा है। और आगे की हमारी रणनीति है कि लोगों के आने जाने की सुविधा हो, मोहल्ले वाइज अच्छे सड़क का निर्माण हो, और जहाँ कुछ एरिया बसा हुआ है वहाँ सिसई की तौर पे हम नालियाँ बना करके पानी वेस्ट जा रहा है उनको वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है आगे के लिए। अगर बात करते हैं पोटलिया ग्राम पंचायत की शिक्षा का स्तर है, वो किस प्रकार का? शिक्षा का स्तर भी हमारे यहाँ अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक सीनियर माध्यमिक विद्यालय पहले यहाँ सामने थी, अभी हमारे इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पोटलिया के अंदर खुल चुकी है, और मॉडल विद्यालय स्वामी विवेकानंद भी पोटलिया के अंदर है। हाँ। और अभी फिलहाल में पिछली सरकार के टाइम पर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला है, वो इस पोटलिया में है, पंचायत समिति के अंदर, वहाँ भी व्यवस्थाएं चल रही है। और दूसरा, हम अगर आज़ादी से लेकर के बात करें तो जो विकास हुआ है 5 वर्षों के अंतराल में, वो कभी विकास नहीं हुआ था। इस कुशलगढ़ क्षेत्र में जो विकास हुआ है, ये पोटलिया का 9 करोड़ का पुल का निर्माण किया है हमारी मैडम के प्रयास से, अथक प्रयास से। इधर एक मुवाल कलिंजरा पंचायत के अंदर आता है, वो भी 8 करोड़ का, 8 करोड़ 8.5 करोड़ का जो पुल बन करके तैयार, अभी लोगों को सुविधा मिली है। यहाँ तो हम पहले पुल नहीं था तो 4-4 दिन तक नदी पार नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी समस्या। हाँ, इस समस्या हल हुई है। यहाँ पे 2-2 लिफ्टें लगी है, एक सामने लिफ्ट 2 लगी हुई है, एक इधर लिफ्ट लगी हुई है। और मालविया जी के टाइम पर पिछले यहाँ 2 करोड़ रुपयों का एक इनिकट बना हुआ है, वो आज की तारीख में आपने देखा हुआ भरा पानी भरा हुआ क्षमता है। और गर्मी के दिनों में भी पानी नहीं टूटता है। और अभी जो एरिया है कलिजरा डीम का, जो पानी हमारे खेतों में घूम रहा है, ये भी क्या
84 के अंदर जब वरसिंह भाई एक बार एमएलए बनकर के आए थे, तो उस समय कलिंजरा डीम, सोनारिया डीम, ये जोशी जी के टाइम पर यह किए थे। और इसकी नेहरू का लोगों को पानी दिया है 1998 के अंदर शुरू हो गया दोनों तालाब सुनारिया और कलिंजरा, इसलिए यह सिंचित क्षेत्र एरिया है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आपके जो भाई है हुरतंग जी खड़िया, जो वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनका नाम चलता है, उनके व्यवहार और जिनकी बदौलत आप रेगुलर दूसरी बार आपके परिवार से रमीला मैडम है, रमीला खड़िया, जो यहाँ से कुशलगढ़ की जनता ने प्रेम दिया और दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता इस संबंध में? जो भाई ने जो व्यवहार कायम करके गया और लोगों के बीच में जी। इन्होंने दिल जीता है जी। उस वजह से जनता आज भी जुड़ी हुई है जी। और उनके नाम से ही जुड़ी हुई है जी। क्योंकि लंबे पहले प्रधान रहे, उसके 1995 के अंदर ये पोटलिया के सरपंच भी रहे थे जी। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि खड़िया परिवार के प्रति आज भी लोगों का जो विश्वास, आत्मविश्वास है, विश्वास है आप पे बड़ा है। विश्वास तो साहब बड़ा है जनता में, और हम अधिकतर धार्मिक काम में जुड़ा रहता हूँ मैं हमेशा जी जी। और मैं तो राजस्थान के सत्संग सेवा संगठन से जुड़ा हुआ भी हूँ जी जी। और वहाँ साई का आश्रम है बाबा का, सत्संग सेवा संगठन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में पुटप्रति गाँव है, तो मैं हर साल वहाँ भी जाता हूँ। पिछली बार मैं 28 मई से 12 जून तक वहाँ आश्रम में सेवा दे करके आया था। इस बार भी अभी रिजर्वेशन के लिए लिस्ट तैयार हो रही है हमारी, इस बार भी वापस जाएंगे। इनके ज़रूरत भक्ति और राजनीति दोनों साथ में लेके चल रहे हो, कैसे संभव? भक्ति बहुत ज़रूरी है साहब, हाँ राजनीतिक से एक बार दूरी हम रह जाएँ लेकिन भक्ति से दूर नहीं हो सकते। भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि सीधा मार्ग भगवान का दिखाते हैं जी। तो भगवान के सत्र सहयोग में रह करके काम करना है जी जी। इसलिए भगवान अपने आप में सहयोग करता है, कहीं ना कहीं वो शक्ति मिलती है जिसकी वजह से पंचायत का आज भी छगन जी है, जब भी कहीं ना कहीं देखते हैं हमेशा फील्ड में आगे दिखाई देते हैं जी। ये तो मैं तो मानता हूँ कुदरत का ही खेल है, और जो बाबा का जो आशीर्वाद है जी जी। उसी की वजह से हम तो आगे बढ़ते रहे हैं। इसके अलावा अगर अपने क्षेत्र की बात करें या अपने पंचायत की बात करें, तो अभी ऐसे कौन से एजेंडे, विशेष तौर से किसानों की बात करें तो किसानों की सिंचाई सुविधाओं का विस्तार वर्तमान में और किस प्रकार की आवश्यकता है? सिंचाई सुविधा का विस्तार तो अभी यही है कि एक तो क्या है कि किसानों को अधिकतर क्या है, गर्मी के दिनों पानी रहता है, तो विस्तार तब हो सकता है कि गर्मी के आउट सीजन में किसान खेती करे, पक्की बाड़ बंदी हो, तार बंदी हो और उसको पमीसी खुले न, तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो यही है, गर्मी के दिनों में पानी रहता है तो तार बंदी की आवश्यकता है लोगों को जी जी। सरपंच साहब, अब की बार कहीं ना कहीं सरकार परिवर्तन हुई है, नए सीएम भजनलाल जी शर्मा बने हैं, क्या कभी आपने कल्पना की थी? ये तो अपन ने कभी सोचा ही नहीं था जी। ये तो कैसे अचानक बने, ये चमत्कार, हाँ ये तो पता ही नहीं था किसी तो को। क्या क्या कहें, ये कह सकते हैं कि भाजपा वाले हमेशा आम आदमी जो आम कार्यकर्ता उसको मौका देते हैं? मौका तो क्या है इन्होंने, अब राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है कि पहले एक बार गवर्नमेंट रही कांग्रेस की, एक बार बीजेपी भी ऐसा ही होता आ रहा है जी जी। तो ऐसा ही मानना है मेरा तो हाँ। वरना तो गहलोत साहब ने काम तो इतना किया है कि कोई कसर छोड़ी नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार का उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग जो है, ये जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं जी जी। जो पूंजीपति लोग होते हैं जी जी। इन लोगों ने वोटर दे करके, गरीब जनता तो सरकार के साथ गहलोत साहब के साथ जुड़ी हुई थी जी। और गरीब लोग तो जो विपक्ष वाले हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो सरकार की योजनाएं थी अंत समय में निकाली, अगर यह योजनाएं रेगुलर जब सरकार बनी थी एक दो वर्ष स्टार्टिंग में कोरोना आ गया उसके बाद में अगर संचालित करते तो निश्चित सरकार ये योजना तो साहब सरकार की अच्छी ही थी, कोई बुरी योजना तो है ही नहीं। और वैसे क्या है, नरेगा योजना तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी की योजना थी जी। उसको आज भी चल रही है लेकिन उसका
समय रहते उसका सामग्री का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए इस योजना को कमज़ोर करने का काम किया है। अगर योजना को पिछले जब मनमोहन सिंह जी थे उस समय में 15 और 20 दिन के अंतराल में लोगों का पेमेंट तो हफ्ते भर में हो जाता था, मस्टूल जैसे जमा हुआ पेमेंट करते थे, सामग्री का पैसा भी आ जाता था महीना भर बाद। अभी क्या है कि लंबे समय से दो दो साल तक भी सामग्री का पैसा नहीं आता है। और महिलाओं को और सशक्त किस प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, किस प्रकार की नई योजनाएं आनी चाहिए? पंचायती राज का तो साहब, पंचायती राज में एक ये है कि पैसा गवर्नमेंट देती है, यहाँ निजी आय बहुत कम है, निजी आय तो है ही नहीं, नगरी क्षेत्र में है। और मेरे तो क्या है, नगरी क्षेत्र मानते हुए क्या है कि इस पोटलिया को पैराफिरी क्षेत्र में सामने वाले में डाल दिया। सामने वाला हिस्सा तो जो पहले मास्टर प्लान बना था उसमें 23 में उसका पूरा होने जा रहा है, लेकिन ये वाला जो है हिस्सा हमारा डाला है पोटलिया का पश्चिमी भाग, पहले उत्तरी भाग था, तो ये हमारा मैंने लिखित में भी दिया है एसडीएम साहब को कि ये भाग हमारा पंचायत का ही रहे और पैराफेरी क्षेत्र से हटाया जाए। क्योंकि नगर वजह क्या है उस, अगर पैराफेरी में आ जाते तो क्या दिक्कत? पैराफेरी में आते तो विकास थोड़ी होता साहब, पैराफेरी होते हैं नगर में तो विकास कहाँ कर पा रहे हैं। अभी मान सम्मान दिया उनके लिए दो सब जो लोग आपको देख रहे हैं, जनता को तो साहब हम सम्मान देते हैं, जनता को जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया है उसको धन्यवाद देता हूँ मैं। जनता ने हमको आगे बढ़ाने का काम किया है हमेशा के लिए, और कहीं कहीं बहका में आके जाती है, बाकी यहाँ की जनता तो जो है बिल्कुल हमारे साथ ही रही है। तो यदि हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत पोटलिया के पूर्व सरपंच छगन लाल जी खड़िया।